भी चोम ने लिखा था आज, खास करके स्किन डिसीज क्यों होते हैं वो सबसे पहला आयुर्वेद ने उसके ऊपर बताया है कि हमारा ब्लड ठीक न होने से स्किन डिसीज होते हैं। सारे ब्लड सारे स्किन डिसीज का मतलब बड़े भाग के स्किन डिसीज का कारण ब्लड की खराबी होती है। ब्लड में एक प्रकार के जंतु कृमि होते हैं, उसको रक्तज कृमि कहते हैं। चार प्रकार के कृमि में से वो रक्तज कृमि होते हैं और उसके कारण वो स्किन डिसीज होते हैं। स्किन डिसीज ऐसे कॉम्प्लिकेटेड को कोई मर नहीं जाएगा, बराबर है। कोई एक डॉक्टर का पूछा था, एक जोक आता है कि उसको उसको पूछा, वो मतलब ऐसे कॉमर्स का विद्यार्थी था लेकिन वो साइंस फिर ले लिया और उसके बाद में बताया वो कौन सा तू डॉक्टर बनना चाहता है। वो बोला मैं स्किन स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो बोला कि स्किन स्पेशलिस्ट क्यों बनना चाहता है? तो उसने बताया कि देखो स्किन स्पेशलिस्ट में बहुत ही सेफ होता है क्योंकि स्किन के डिसीज से कोई कभी मरता नहीं है, पहला कारण। तो मेरे ऊपर कोई रिस्क नहीं है, कोई केस कर देगा और कुछ होगा ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि स्किन में किसी को कुछ हुआ और मर गया ऐसा कभी नहीं होगा, ये पहला कारण। दूसरा कारण ये कि वो स्किन डिसीज से कोई मरता नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, इमरजेंसी कभी नहीं आएगी, रात को 12 बजे फोन नहीं आएगा कि चलो भाई स्किन डिसीज हो गया है, चलो आप तुरंत अपना हॉस्पिटल खोलो और हमारी चिकित्सा करो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं आराम से सो सकता हूँ। तो स्किन डिसीज का पहला, वो कोई मरेगा नहीं, दूसरा इमरजेंसी कभी आएगी नहीं, और तीसरा वो कभी मिटेगा नहीं, इसके लिए मेरा धंधा चलता रहे। वो कभी मिटने वाला है नहीं क्योंकि वो चलता ही रहेगा, एक मिटा तो दूसरा, दूसरा मिटा तो तीसरा, तीसरा से चौथा, यहाँ खुजली आई, खुजली मिटी तो कुछ एक्जिमा हो गया, वो मिटा तो कुछ, एलोपैथी से वो मिटने वाला है नहीं। तो उसने बताया कि इसीलिए मैं स्किन स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ क्योंकि इसमें देखो सेफ्टी बहुत है, रिस्क कुछ है नहीं, इमरजेंसी कभी आएगी नहीं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी रात को जग कर करना, और ये रोग मिटने वाले है नहीं तो मेरा तो हमेशा चलता रहेगा हॉस्पिटल, क्योंकि मिट जाए तो कोई आएगा नहीं, ये चलता रहने वाला है। तो ये एलोपैथी के डॉक्टर की एक बात मैंने बताई कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जोक है कि एलोपैथी से स्किन डिसीज प्रायः ठीक नहीं होते। मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ, आयुर्वेद में उसको खून की खराबी से होने वाले रोग बताए है। सिंपल, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको विरुद्ध आहार, पहला कारण उसका बताया है विरुद्ध आहार। हम दूध के साथ फ्रूट लेते हैं, फ्रूट शेक लेते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं, और न जाने कितने फ्रूट हम दूध के साथ खाते हैं। सिंपल करो, दूध के साथ कुछ खाना नहीं है, दूध अकेला। दूध गाय का पीते हो, भोजन किया है एक घंटे के बाद, लेकिन सिंपल हल्दी डाल सकते हो, गाय का घी डाल सकते हो, और कुछ उसमें मिलाना नहीं है, कोई फल नहीं, कुछ नहीं, कुछ जूस व्यूस कुछ नहीं, केवल दूध पीना है। क्यों? क्योंकि सारे फल दूध के साथ विरुद्ध होता है, विरुद्ध अन्न गया तो सबसे ज्यादा खून को खराब करता है, खून खराब हुआ तो स्किन डिसीज होते हैं, वो कोई भी प्रकार के स्किन के डिसीज हो। मैं अभी कुछ कुष्ठ रोगों की बात करूंगा, उसमें सिंपल क्या करना है, एक पेट साफ करने की कोई दवाई लेनी है, कोई भी प्रकार के स्किन के रोग ठीक होने में उदर का शुद्ध होना, पेट का साफ होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले पेट साफ करने की कोई दवाई लेनी है, उसमें आयुर्वेद में एक चूर्ण बताया है, उसका नाम स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है। स्किन के कोई भी प्रॉब्लम में ये वैद्य आपको देते हैं, हम उसका ऊपर एक कोष्ठ शुद्धि चूर्ण बनाते हैं, वो सिंपल पेट साफ करने के लिए कोई भी चूर्ण लेते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरे, खट्टे फल आपको नहीं खाने, कोई भी प्रकार के खट्टे फल नहीं खाने हैं आपको, दूध के साथ फल नहीं खाते, ये एक। तीसरा, हम उसके लिए दवाई देते हैं, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट खुजली वगैरह में मिलता है, वो है पंचनीम कैप्सूल और हरिद्राखंड कैप्सूल, ये दो प्रकार की कैप्सूल हम देते हैं। हल्दी का सेवन ज्यादा करना है उसको, हल्दी का सेवन ज्यादा करना है, और उसके लिए ब्लड प्यूरिफिकेशन करने वाला जो मंजिष्ठा होता है एक प्रकार की, उसका चर्म रोग सिरप बनता है, उसका सेवन करना है। चर्म रोग मलम बाहर लगाने के लिए होता है, वो भी बहुत अच्छा कार्य करता है, और सालों से न मिटने वाले चर्म रोग इससे मिट गए हैं, वो आयुर्वेद में इसका वर्णन है। तो चर्म, एक्जिमा की बात करें, एक्जिमा में सिंपल है, चर्म रोग मलम तो हम बनाते हैं लेकिन एक्जिमा आपको बहुत है, तो आलू का एक प्रयोग है, और वो हमने बहुत सारे रोग इससे ठीक किए है कि आलू, उसके ऊपर बाफा हुआ आलू एक्जिमा के ऊपर रोज सुबह लगाना है, वो घिसना है, घिसने के बाद शाम को उसके ऊपर चर्म रोग हर मलम लगाना है एक्जिमा के ऊपर, जो हमने चर्म रोग हर मलम बनाया है। स्किन के डिसीज के लिए सबसे अच्छी औषधि सतदौध घृत है।
सततोद्ग्रुत गाय के घी को 1000 बार धोकर बनाए, 100 बार धोकर बनाया जाता है, सहस्रभूत 1000 बार, 1000 बार का मिला तो आपका एक्जिमा बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। वो घी को लगाना है, वो खाना नहीं है, वो एक प्रकार का पॉइजन बन जाता है। वो घी जितना पुराना होगा उतना ज्यादा फायदा करेगा। तो तीन तीन में गौशाला वाले को भी बताता हूँ कि आप 5-10 साल घी को रख दो, डेट लिख कर रख दो, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, 50 साल पुराना, 100 साल पुराना। 100 साल पुराना घी मिल गया, वो सबसे अच्छा एक्जिमा का उपाय होगा। उसको आप 1000 बार धोएंगे तो वो घी प्योर जहर बन गया खाने में, लेकिन लगाने में वो अमृत बन गया। वो आयुर्वेद की विशेषता है, एक वस्तु लगाने के लिए अमृत है, खाने के लिए जहर। वो सततो सहस्र ग्रोथ ग्रोथ है। एक्जिमा का बहुत सारे रिजल्ट हमने ये घी से लिए है। हमारे पास 100 साल पुराना घी था लेकिन हमने चिकित्सा में प्रयोग कर दिया, अभी बचा नहीं। तो अब तो कोई गुरुजी ने रखा था, वो बहुत लिमिटेड था, वो 10 किलो जितना था, वो प्रायः प्रायः हमने एक्जिमा के ऊपर प्रयोग कर दिया। लगभग लगभग 60 साल पुराना था वो घी। तो अभी कोई यदि घी ऐसा बनाएंगे तो वो रखते जाए रिकॉर्ड के लिए, कि वो थोड़ा 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 रखते जाए ताकि वो घी काम आए चर्म रोग के ऊपर। दूसरा, चर्म रोग कभी भी हो, मैंने बताया, उसके लिए पहले विरुद्ध आहार को छोड़ना है, पेट को साफ रखना है, ये 2-3 काम करना है। तीसरी बात, केमिकल वाले साबुन का बिल्कुल उपयोग करना नहीं है, कोई भी प्रकार के साबुन का उपयोग ना करें। स्नान रज आता है, सिंपल है, हम स्नान रज का हम बताते हैं, हमारे यहाँ पे ही होता है। तो ये स्नान रज से उसका स्नान करके वो आराम से उसका हल्दी वाला या सामान्य रीत से जो औषधि वाला होता है उससे स्नान करें। ज्यादातर ये सारे स्किन डिसीज केमिकल वाले साबुन उपयोग करने से, हेवी क्षार वाले साबुन उपयोग करने से भी होता है, वो मिटते नहीं है। रोज आप साबुन से ना रहे हो और दवाई चल रही है, आपको पता ही नहीं होगा कि उससे जो वो जाते हैं, केमिकल जाते हैं, उसके कारण स्किन में वो मतलब ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। पसीना कहीं पर भी हो तो ऐसे कपड़े पहने जो पसीना से वो कूट, जैसे खादी हो गया, कॉटन हो गया, ऐसे जींस वगैरह पहनते हैं तो वो पसीना वहां, हमने बहनों का एक सर्वे किया था, उसमें देखा था कि वो कॉटन वो कपड़े ऐसे पहनती है तो यहाँ पसीना वही रह जाता है, प्लास्टिक अंदर आता है, तो उसके कारण बहुत सारे स्किन के रोग होते हैं। तो कपड़ा स्किन के रोग होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले इसको देखे कि हम कपड़े कैसे पहन रहे हैं। बहुत सारे रोगों के पैर के दर्द हमने केवल चप्पल बदलवाने से ही ठीक कर, वो चप्पल पहनते थे उसकी हील वाले, तो हमने बताया कि ये जब तक आप चप्पल पहनेंगे, और डॉक्टर के पास जब जाते तो डॉक्टर चप्पल का तो पूछते ही नहीं है, तो वो दवाई के ऊपर दवाई, दवाई के ऊपर दवाई लिख देते थे। तो हमने कहा कि आप चप्पल कौन सा पहनते हैं, तो बोले हील वाले। तो हमने कहा पहले तो ये बंद कर हील वाले चप्पल, क्योंकि उससे इनबैलेंस होता है और इनबैलेंस होने से बहुत सारे पैर के रोग होते हैं। तो उसकी पैनी में जो दर्द था वो मिट ही नहीं रहा था, प्रायः उसने स्पेशलिस्ट बंबई तक स्पेशलिस्ट को बता दिया उसका मिट नहीं रहा था। हमने केवल कहा सिंपल है, कोई दवाई नहीं है, आप चप्पल बदलो, और 2 महीने में चप्पल बदलना है, नहीं तो आपको भी पैर के दर्द हो सकते हैं, क्योंकि एक बार घिसेगा और एक ऐसा ही रहेगा तो इनबैलेंसिंग होगा, तो हड्डियों के रोग होंगे। तो आप भी एक ध्यान रखो, 2-3 महीने में कोई भी प्रकार का है वो चप्पल बदल दो, नहीं तो बैलेंसिंग नहीं होगा तो हड्डियों के रोग होंगे, क्योंकि हमारा पोस्चर होता है वो कैसा होता है, हम चलते कैसे हैं, हम किस तरह से बैठते हैं, वो भी हमारे रोगों का कारण हो सकता है। तो ये मैंने बात याद आई तो मैंने बता दी। स्किन के रोगों में भी ऐसा ही है कि हम जो खाते हैं उसमें विरुद्ध आहार न हो, वो खास ध्यान रखें। खट्टे फल वो स्किन के रोगों को बढ़ाते हैं, आयुर्वेद में बताया है, इसलिए वो थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, वो उपयोगी होंगे, स्किन के लिए नहीं है, तो ये एक करो। तीसरी बात, बाहर के उपयोग में मैंने बता दिया सिंपल, किस तरह का रोग है उस हिसाब से हमारा चर्म रोग मलम आता है, वो चर्म रोग मलम का यूज करो। गौमूत्र वाला एक मलम आता है हमारा, दूसरे का मतलब गौमूत्र क्षार का, गौमूत्र वाला कोई भी मलम हम भी बनाते हैं और भी गौशालाएं बनाती होंगी, उसका उपयोग करो। तीसरा, हरिद्राखंड, पंचनीम या चर्म रोग हर सिरप, ये तीनों में से किसी का भी उपयोग आप कर सकते हैं, इससे बहुत ही लाभ होगा। तो इतना ये चर्म रोग स्किन डिसीज